तो गए हम जिस मौसम में जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ पे 99% स्लाइडिंग का खतरा जो है कि मंडरा रहा है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये ब्लॉग हमारा बिल्कुल एडवेंचर होने वाला है, एडवेंचर। ये सोलन इस मौसम में जाना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं हो गए। जिस तरह से हम लोग कुछ जाम में फंसे हुए हैं, जैसे ट्रैफिक लगी थी गए, जो रहा है ये जो कि कितने बड़े बड़े स्टोन जो है कि ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी ट्रैफिक लग गया था। फाइनली गए हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पानी वाला तो टेम्पर ले लिया हूँ। सारा सामान यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हमने रख लिया है, बिल्कुल आउटडोर पार्टी के लिए बिल्कुल जबरदस्त तैयारी है। यहाँ पे हमने मिनरल वाटर रखा हुआ है, इसमें हंडी बुंडी है, इधर वो बनाने वाला सारा मटेरियल है। अगर ये मौसम खराब है, जिसकी वजह से हमने गैस सिलेंडर चूल्हा भी ले लिया है, ताकि अगर मौसम खराब होता है लकड़ी ना मिले तो हम गैस से जो है कि आउटडोर पार्टी एकदम जबरदस्त करें। आप ये देख सकते हैं पानी के लिए हमने इसको रखा हुआ है, इसको रख देते हैं। और अभी हमारे फ्रेंड सारे बिल्कुल एकदम एडवेंचर पार्टी के लिए बिल्कुल ओके है, जो है कि आप इस तरफ देख सकते हैं बिल्कुल। ये हमारे अंसारी जी रहे हैं, वेलकम वेलकम आउटडोर पार्टी। ये हमारे राजू जी रहे हैं, वेलकम वेलकम आउटडोर पार्टी। ये हमारे देव जी रहे हैं, जो है कि थोड़ा हमको इंतजार करवाए लेकिन आए, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ये हमारे सुखदेव जी हैं, जो है कि आउटडोर एडवेंचर पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी होके आए हुए हैं। ये हमारे गुलशन जी हैं, जो है कि बिल्कुल तैयारी के साथ एकदम बिल्कुल निकर में आए हुए हैं एडवेंचर पार्टी के लिए, आउटडोर पार्टी के लिए बिल्कुल जबरदस्त। हमारे सारे फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बस आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज बहुत ही जबरदस्त पार्टी होने वाली है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हमारी ब्लोरो बिल्कुल ओके है, हमने इसमें सारा सामान सामान रख लिया। हमने नेक्सॉन को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो गाड़ी छोटी पड़ रही थी और हमें पहाड़ी में जाना था, इसलिए हमने ब्लोरो को ले लिया है। और चलिए बैठिए बैठिए, जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे के लिए निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी ब्लोरो निकल चुकी है सोलन के लिए, एडवेंचर पार्टी के लिए, आउटडोर पार्टी के लिए, जो है कि हम आशा करते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी आज जबरदस्त हो। थोड़ा मौसम खराब है, जिसके वजह से हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम वो प्रॉब्लम को फोर्स करेंगे और पार्टी को कंटिन्यू रखेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे अंसारी जी बिल्कुल साइलेंट मोड में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं दबा गया हूँ, लेकिन फिर भी फ्रेंडों को हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए। मैं तो पूरा एंजॉय मोड में हूँ भाई, आज तो भाई दिक्कत हो कुछ भी हो पार्टी तो करना है। फ्रेंड्स हमारा जो है कि ये पहला टोल टैक्स आ गया है शिमला वाले रोड पे, पहला टोल टैक्स हम क्रॉस करने वाले हैं। जस्ट ये सामने रहा टोल टैक्स, तो फाइनली गाइस हम जो है कि एकदम हमारी गाड़ी बिल्कुल पहाड़ी में इंटर करने वाली है, जो है कि बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है अभी और एकदम बिल्कुल धूप नहीं है और एकदम बारिश का मौसम जो है कि बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त मौसम बना हुआ है, लेकिन ये जो है कि हमारे पार्टी के लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। तो गाइस हम जिस मौसम में जा रहे हैं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, यहाँ पे 99% स्लाइडिंग का खतरा जो है कि मंडरा रहा है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये ब्लॉग हमारा बिल्कुल एडवेंचर होने वाला है, बिल्कुल एडवेंचर। ये सोलन इस मौसम में जाना हम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो गए हम यहाँ पहाड़ियों के जाम में फंस चुके हैं और काफी देर से हम बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे हैं। अभी देखते हैं कि इस जाम में हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा है बिल्कुल कम
और इस तरह से जाम में फंसना हम लोगों के लिए धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से जाम लगा देखो हूँ। गए जी, इस तरह से हम लोग कुछ जाम में फंसे हुए हैं और स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे हैं। काफी देर से हम लोगों को कम से कम आधे घंटे हो गए और इसी तरह स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं कि कितनी दूर तक हमें इस जाम का, इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इन पहाड़ियों में जो है कि हम कहीं शॉर्टकट भी नहीं ले सकते, कोई अलग रास्ता भी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो इसी रास्ते से ही जाना यहां पड़ेगा। पे अभी सिंगल वे चल रहा है, वन वे जो है कि यहाँ पे बंद हो चुका है स्लाइडिंग की वजह से, जो कि काफी स्लाइडिंग हो रही है हिमाचल प्रदेश और हम यहाँ में। पे काफी बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस चुके हैं। पीछे काफी दूर तक एकदम बिल्कुल ट्रैफिक लगी हुई है, जो है कि हमें लगता है कि यहाँ पे हमें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। घंटों इंतजार के बाद हो सकता है ये रास्ता खुले, की क्योंकि सिंगल वे है, सिंगल वे में हमें लगता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्लाइडिंग की वजह से सारा कुछ हो रहा है और हमारी पार्टी के ऊपर खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। फाइनली गए, जब दूसरा रास्ता भी स्टार्ट हो गया है और हमारी गाड़ी जो है कि बैक होके जा रही है। से ट्रैफिक लगी थी गए, जो रहा है ये जो कि कितने बड़े बड़े स्टोन जो है कि ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी ट्रैफिक लग गया था। हमको तकरीबन एक घंटे हो चुके इस ट्रैफिक में फंसे हुए और अब जाके ये रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम जो है कि ट्रैफिक में से निकल चुके हैं और हमारी आगे की यात्रा बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यात्रा पे नहीं, पार्टी वाला। और आगे हम लोग अब बढ़ रहे हैं। अच्छा लगा, बड़े पेशेंस के बाद जो है कि संभव हुआ। बिल्कुल रास्ते अभी खुले खुले से लग रहे हैं और अब हमें उम्मीद जग गई है कि हम थोड़ा अब जल्दी पहुंच जाएंगे। हल्की फुल्की स्लाइडिंग तो पूरे रोड पे है, हर जगह है, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से ये पूरा रोड जो है कि पूरे रोड पे स्लाइडिंग है। तो फाइनली गाइस हम जो है कि ऐसी लोकेशन पे, पहाड़ी वाली लोकेशन पे आ गए हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पे हमें एक दुकान मिली, एक हमारे भाई साहब मिले जो यहाँ पे हमें पानी पूरी खिलाने वाले हैं और हम यहाँ पे पानी पूरी खाने वाले हैं। फिर का किसका दो रहेगा दीपक का? छह बच्चा सुखाई खिला दीजिए। एक सुख